हेलो बच्चों, कैसे आप सभी? आप सभी का ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे थे ऑनलाइन क्लास, और ऑनलाइन क्लास में प्रत्येक सब्जेक्ट की आप स्टडी कर रहे हैं। एक बार फिर रोज की भांति आज हम आप सभी का ऑनलाइन क्लास में एक बार श्री रघुनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का एक बार फिर से स्वागत सभी बच्चों का और अभिभावकों का। आज हम पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों हिंदी और हिंदी कक्षा 9 हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में 27 अक्टूबर 2020 को, और आज का हमारा टॉपिक होगा व्यवहारिक व्याकरण का क्रिया। विद्यार्थियों, आपने पूर्व में जनरल लैंग्वेज, जनरल ग्रामर के बारे में आपने जाना कि भाषा किसे कहते हैं, उसके कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन सी भाषाएं होती हैं, किस प्रकार की होती हैं, ये सब आप लोगों ने जाना होगा, अब सुन लिया। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक होगा वह है क्रिया। क्रिया का मतलब होता है जिस कार्य में कोई गतिविधि होती है, एक्टिविटी होती है, उसे हम क्रिया कहते हैं। विद्यार्थियों, क्रिया का मतलब होता हलचल होना, कोई भी हलचल, गतिविधि या उसमें मोमेंट जिसको हम बोल सकते हैं वो हो, उसे हम क्रिया कहते हैं। आइए चलते हैं, इसकी जो शुद्ध डेफिनेशन है वो हम पढ़ते हैं। देखिए सारे बच्चे बोर्ड पे देखे हैं, ऑनलाइन क्लास में अपने मोबाइल को थोड़ा जूम करके देखें और समझे। क्रिया, जिन शब्दों से किसी कार्य के होने, करने, कराने या किसी व्यक्ति की स्थिति और दशा का बोध हो, होता हो या होता है, उसे क्रिया कहते हैं। स्थिति, किसी व्यक्ति की भी दशा और उसकी स्थिति का बोध होता है वहां पर भी हम क्या है, क्रिया की पहचान कर सकते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य को होने या करने की स्थिति का बोध हो वहां हम क्रिया का को पहचानते हैं, क्रिया की डेफिनेशन जानते हैं। तो आप इस प्रकार से ये नोट कर लें। उदाहरण के तौर पर मथुरा यमुना के तट पर स्थित है। आपसे पूछा जाता है कि मथुरा यमुना के तट पर स्थित है, तो ये उदाहरण बन गया। सीधी सी बात है, क्रिया होगी कहां पर, यमुना के तट। वे दोनों इस विद्यालय में पढ़ते हैं, वे दोनों इस विद्यालय में पढ़ते हैं, तो यहां पढ़ते क्या हो गई, गतिविधि हो गई, क्रिया हो गई। अब दूसरा उदाहरण है, वह 8 बजे चला गया, वह अननोन पर्सन हो गया, सर्वनाम हो गया, तो कहने का मतलब है चला गया, क्रिया हो गई। श्याम ने कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता है। श्याम नाम का व्यक्ति है, उसने प्रतियोगिता परीक्षा में इस प्रकार से क्या स्वर्ण पदक जीता है। अब क्रिया के भेद, विद्यार्थी क्रिया के दो भेद होते हैं, आपने भी जाना क्रिया के दो भेद होते हैं, कर्म के आधार पर और प्रयोग, रचना व अन्य आधार। अब प्रयोग और कर्म के आधार पर किस प्रकार से क्रिया के दो भेद होते हैं वो हम पढ़ते हैं कि कर्म के आधार पर और प्रयोग व रचना व अन्य आधार पर हम क्रिया के दो भेद मानते हैं। अब हम पढ़ते हैं क्रिया के आधार पर भेद कितने प्रकार के होते हैं, ये भी जानना जरूरी है कि कर्म के आधार पर अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। देखिए विद्यार्थियों, कर्म के आधार पर हमने क्रिया के दो भेद पढ़े थे, कर्म, प्रयोग और रचना व अन्य आधार पर। तो उसी प्रकार पहला उसका रूप होता है कर्म के आधार पर। अब कर्म के आधार पर मतलब अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, नेगेटिव और पॉजिटिव चीज के आधार पर हम बात कर सकते हैं। तो कहने का अभिप्राय कि कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया को पढ़ सकते हैं। अब अकर्मक क्रिया का किस प्रकार से हम प्रयोग कर सकते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, और कर्म के आधार पर हो गया और सकर्मक क्रिया हो गया। अब विद्यार्थी इसकी डेफिनेशन जानना बेहद जरूरी है। अकर्मक क्रिया, वाक्य में प्रयुक्त जिस क्रिया का कर्म नहीं होता है, जो कर्ता के लिए सीमित होती है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। कहने वाले तक, कर्ता का मतलब जिसके द्वारा जो कार्य संपादित किया जाता है वहां तक ही सीमित हो, कर्म नहीं होता, कार्य नहीं होता। जैसे उदाहरण के तौर पर रौनक दौड़ रही है, इससे फल की प्राप्ति नहीं हो रही है, कर्ता को रिजल्ट नहीं मिला है, दौड़ रही है बस, बाल
मोहित हंस रहा है। हंसना क्या हो गई? एकर्मक क्रिया हो गई। तो विद्यार्थियों यहां पर मैंने जैसे उदाहरण के अंदर अंडरलाइन किया है, तो आप इसको यू समझे कि ये इसका एक विशेष उदाहरण माना जाता है। रियली अब अगला उदाहरण, बच्चे सो रहे हैं। बच्चे सो रहे हैं, कर्ता के द्वारा कार्य क्या हो रहा है? इसका कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। बच्चे सो रहे हैं, यहां पर मैंने अंडरलाइन करा है, जूम करके देख सकते हैं। तो बच्चे सो रहे हैं, तितली उड़ रही है या पतंगा उड़ रहा है, बच्चे दौड़ रहे हैं। आप अनगिनत उदाहरण इसके बना सकते हैं। तो ये मछली तालाब में तैर रही है, पक्षी गगन में उड़ रहे हैं आदि उदाहरण इस प्रकार से आप बना सकते हैं, ताकि स्वयं के द्वारा कुछ ऐसे उदाहरण इनको देख करके अगर हम बनाना चाहें, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इन उदाहरणों के माध्यम से आप भेद अच्छे से समझ सकते हैं। स्वाध्याय स्वावलंबन की सीख होती है, और आप इस प्रकार के जो उदाहरण बनते हैं हमने बनाए हैं, आपने भी इससे रिलेटेड कोई और उदाहरण मन घड़त बनाओगे, होना चाहिए इससे संबंधित, तभी मैं ये उम्मीद रखता हूं कि आप समझ पाओगे। तो आपने क्या जाना बेटे, कर्म के आधार पर क्रिया के जो भेद बताए थे, पहला अकर्मक क्रिया और दूसरी सकर्मक क्रिया, ओ अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया के अंदर क्या इसका डिफरेंस है, क्या इसमें अंतर है, वो हम यहां पर पढ़ने जा रहे हैं। अब देखिए, रौनक दौड़ रही है, रौनक दौड़ रही है, आपने यहां कोई भी नाम ले सकते हैं, आप किसी भी प्रकार का कोई जिक्र कर सकते हैं, अपना भी ले सकते हैं, नॉन पर्सन का भी ले सकते हैं। मोहित हंस रहा है, बच्चे सो रहे। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो हमने एग्जांपल पढ़े, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने जो एग्जांपल पढ़े, उन एग्जांपल के अकॉर्डिंग आप ही स्वयं दो दो चार चार उनके उदाहरण बना सकते हैं, ताकि इसको ज्यादा समझा जा सके। अब आती है बात की अकर्मक क्रिया की भेद। विद्यार्थियों किसी भी जो मूल बिंदु होता है, कोई भी मूल बिंदु होता है, उसके भी कुछ उपभेद होते हैं, कुछ नियम होते हैं। तो आइए हम इसके बारे में जाने कि कौन कौन से होते हैं। तो अकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, पूर्ण अकर्मक क्रिया और अपूर्ण अकर्मक क्रिया। पूर्ण और अपूर्ण, जिसमें क्या होता है, सटीक और असटीक, निश्चित और अनिश्चित। आप ये मान सकते हैं शब्द में ही अर्थ निहित होता है। क्या होता है विद्यार्थियों, शब्द में ही अर्थ निहित होता है। तो आप इस प्रकार से अकर्मक क्रिया के भेद दो होते हैं, कौन सा, पूर्ण अकर्मक क्रिया और अपूर्ण अकर्मक क्रिया। अब एक बार फिर हम इसका रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि इनको जान लोगे तो अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो मैं रिवाइज कर रहा हूं इनको, आप क्या करें, जूम करके इसको देखें और नोट भी करें नोटबुक में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका पहला व्यवहारिक व्याकरण का। तो आपने पढ़ा क्रिया, क्रिया से हलचल होना, कार्य करने की गति का पता चलना, स्थिति का दशा का बोध होना, वह क्रिया होती है। मैं इसको दूसरे रूप में बताना चाहूंगा कि क्रिया का मतलब होता है कार्य का घटित होता, स्थिति दशा या उनका ज्ञान होना पता चलना, वह होती है क्रिया। अब क्रिया के भेद कितने होते हैं, क्रिया के मुख्यतः दो भेद होते हैं, कर्म के आधार पर और प्रयोग रचना व अन्य आधार पर। प्रयोग रचना व अन्य आधार पर हम इसके उप से उप पढ़ते चले जाएंगे, लेकिन हम सीढ़ी वाइज सीढ़ी आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर हम पढ़ेंगे पहला कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर कितना बार, कर्म के आधार पर दो प्रकार की क्रिया होती है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक जिसमें कर्म नहीं हो रहा, कार्य नहीं हो रहा, जैसे बच्चा हंस रहा है, बच्चे सो रहे हैं, तितली उड़ रही है, मछली तैर रही है, हवा बह रही है आदि अनेक, गगन में पक्षी उड़ रहे हैं,
तो ये क्या है उदाहरण आप अव्ययभक क्रिया का। डेफिनेशन के माध्यम से वाक्य में प्रयुक्त जिस क्रिया का कर्म नहीं होता है, कर्म नहीं होता है जो कर्ता तक ही सीमित होती है, जो कार्य करने वाला है वहां तक ही होती है। स्वयं पक्षी उड़ रहा है, तितली उड़ रही है, हवा बह रही है और पानी में मछली तैर रही है, बच्चा सो रहा है, बच्चे हंस रहे हैं, रौनक दौड़ रही है, अनेक कार्य के माध्यम से आप इसको समझ सकते हैं। अब लेंगे इसका जो दूसरा होता है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया से पहले हम पढ़ेंगे विद्यार्थियों अकर्मक क्रिया के भेद। अकर्मक क्रिया के भेद दो होते हैं, पूर्ण अकर्मक क्रिया और अपूर्ण अकर्मक क्रिया। तो मैं उम्मीद और आशा रखता हूं कि आपकी अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसकी स्क्रीन शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और फिर इसको समझिएगा और नोटबुक में नोट करके आप इसको तैयार करिए। आगे बढ़ते हैं, कल अकर्मक क्रिया के पूर्ण और अपूर्ण क्रिया के भेदों के डेफिनेशन। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।